हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे DRDO CEPTAM 9G, यानी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हम टेक्नीशियन और जो आपका ANA यानी एडमिनिस्ट्रेटिव का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों, काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन आया था कि सर सबसे पहले रिजल्ट किसका आएगा, क्योंकि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम पहले हुआ था 351 पोस्ट का और बाद में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का आया था एग्ज़ाम, तो इसमें से पहला रिजल्ट किसका आएगा सर। तो इसके लिए काफ़ी लोग जो हैं एक ही प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे थे, तो हमने सोचा कि इसके लिए आपको एक वीडियो बना के आप सभी को इसका आंसर दे दिया जाए कि सबसे पहले रिजल्ट किसका आएगा, टेक्नीशियन का पहले आएगा या ANA वाला जो आपका वेरियस पोस्ट था उसका पहले आएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया अपडेट आता है सरकारी फॉर्म का या कोई नया रिजल्ट आता है, नई कट ऑफ आती है या कोई भी नई नोटिफिकेशन आती है जो रिगार्डिंग हो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, जो आपके करियर गाइडेंस में मदद हो, ऐसी चीज़ों को हम जो है आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले आपको स्मार्ट नॉलेज चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट नॉलेज चैनल आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पर सिलेबस, स्टडी मटेरियल और बहुत कुछ दोस्तों जो आपको नीडेड होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने में। तो दोस्तों, इसलिए आप स्मार्ट नॉलेज चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, DRDO एंट्री टेस्ट 2019 जो CEPTAM हुआ था आपका टेक्नीशियन ए और ANA एडवर्टाइजमेंट का, तो चल पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। टायर वन जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो हुआ था 28 सितंबर, जी हाँ दोस्तों, फिर 23 अक्टूबर, 17 to 28 नवंबर, तो ये आपका हुआ था जो नवंबर में, ये हुआ था आपका ANA पोस्ट वाला यानी वेरियस पोस्ट वाले में। और जो टेक्नीशियन का था वो हुआ था आपका एग्जाम सेप्टेम्बर में, जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि एग्ज़ाम तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम जो है वो टेक्नीशियन का पहले हुआ है, और जो ANA जो आपका एडमिन एंड अलाइड सर्विस वाला है जिसे हम जानते हैं वेरियस पोस्ट में, वहाँ वो आपका जो है बाद में हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो रिजल्ट आने की जो चांसेस है, सबसे ज़्यादा जो चांसेस है वो ये है कि ANA का रिजल्ट जो है यानी कि एडमिन एंड अलाइड जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वेरियस पोस्ट का, उसका रिजल्ट जो है आने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है चांसेस, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो हमने एक्सपेक्टेड डेट और जो हमने अधिकारियों से जो है वार्तालाप किया, जो थोड़ी बहुत जानकारी हमने कलेक्ट की, उनके मुताबिक तो यही बताया जा रहा है कि सर कि आपका टेक्नीशियन का रिजल्ट आने में थोड़ा देर हो सकता है, एंड ऑफ द दिसंबर या जनवरी तक जा सकता है, बट ANA यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला आपका जो है एडमिन एंड अलाइड वाला जो 224 पोस्ट है, जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 224 पोस्ट जिसमें है, वो आपका जो है एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है, जी हाँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों, जो काफी जो क्वेश्चन था कि रिजल्ट पहले किसका आएगा, तो ये बात क्लियर है क्योंकि सबसे पहले जो रिजल्ट आने वाला है वो जो है एक्सपेक्टेड है ANA वाला यानी वेरियस पोस्ट वाला का रिजल्ट आपका जल्दी आएगा यानी दिसंबर के एंड तक, और हो सकता है कि CEPTAM जो आपका टेक्नीशियन 351 पोस्ट है वो जनवरी में जा सकता है, बट एक्सपेक्टेड दोनों का जो है दिसंबर ही है। बट यही है कि एक वीक या दो दिन का, तीन दिन का फर्क होगा रिजल्ट के बीच में दोनों के, और देखते हैं सबसे पहले रिजल्ट किसका आता है। बट जो एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बताना चाहता था कि एक्सपेक्टेड जो बताया जा रहा है अभी तक सारी वेबसाइट्स का एनालिसिस और कंक्लूजन निकाल के, वो ये है कि आपका जो है वेरियस पोस्ट जो आपका ANA यानी 224 पोस्ट वाला है वो आपका सबसे पहले उसका रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये जानकारी आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों साथ जानकारी अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।